नमस्कार दोस्तों, इरफान खान एक नाम, बिल्कुल आपके और मेरे जैसी शख्सियत, सिंपल शख्सियत। वैसे फ़ोटो में पहली बार देखेंगे तो कोई याद रहने की वजह नहीं, लेकिन जब आप खबर सुनी तो शायद ही कोई होगा जिसके सीने में कसक और आंखों में नमी आई। मुझे अभी भी याद है, तब मैं शायद 8वीं कक्षा में पढ़ता था, तब सलाम बॉम्बे नाम की एक मूवी आई थी जिसमें इरफान का एक छोटा सा किरदार था, जिसके बाद काफ़ी सालों तक इस बंदे ने कोई फिल्म में काम नहीं किया। हाँ, लेकिन चाणक्य, भारत एक खोज, बनी की अपनी बात, ऐसे कुछ टीवी सीरियल्स के किरदार में उनको देखा, लेकिन तब भी इरफान के अभिनय की ज़्यादा सराहना नहीं हुई। लेकिन दोस्तों देखो, जिस बंदे के हुनर को कोई इंडियन नहीं पहचान पाया, लेकिन एक ब्रिटिश प्रोड्यूसर ने साल 2001 में द वॉरियर फिल्म में इरफान को फिल्म में ब्रेक दिया। लेकिन इंडस्ट्री में इरफान को 2004 में ही सब जानने लगे, जब उन्हें हासिल फिल्म में देखा गया और निगेटिव रोल के लिए फिल्म फेयर का अवार्ड भी मिला। और उसके बाद बंदे की चल पड़ी, नेमसेक, लाइफ इन मेट्रो और पान सिंह तोमर जैसे फिल्मों ने उनके करियर को नई ऊंचाई पर ले गया और फिल्म फेयर, नेशनल फिल्म अवार्ड और पद्मश्री जैसे पुरस्कार से भी नवाजे गए। दोस्तों हम में से ज़्यादातर लोग उन्हें उनके उसके बाद के कार्यकाल के लिए जानते हैं, लंच बॉक्स, हिंदी मीडियम, पीकू के साथ अंग्रेज़ी फिल्मों में इन्फारो, जुरासिक पार्क इत्यादि मूवी में उनका काम बहुत सराहनीय था। उनकी फिल्म जो आखिरी थी अंग्रेज़ी मीडियम, जिसका पोस्टर हमें हमेशा लंबे समय तक हमारे नज़रों से हटने नहीं देगा। दोस्तों कोई भी सफल व्यक्ति के पीछे एक बहुत बड़ा असफलता का पहाड़ होता है, और जिसके ऊपर वह व्यक्ति मजबूती से खड़ा होता है तो अपने आप में सफल हो जाता है। मैंने जब इरफान खान को जानने की कोशिश करी तो ज़्यादातर जानकारी उनके आखिरी 10 सालों के बारे में मिली, लेकिन जब मैं सोचता हूँ कि बंदे के दिल में क्या जज्बा होगा जिसने करीबन 13 साल तक बॉलीवुड में संघर्ष किया, और उस बंदे को पहचाना एक अंग्रेज़ ने, जबकि पूरा 35 साल का करियर एक संघर्ष से वैसे कम नहीं था, और हम सारे 35 दिन में इतने व्याकुल हो गए हैं कि सारी सुविधाएँ होने के बावजूद भी कितने चिंतित हैं। दोस्तों जब मैं कुछ स्टार्टअप्स और नए व्यवसाय को देखता हूँ तो उनमें 1-2 साल का संघर्ष करने की भी तैयारी नहीं होती, और सपने $1 मिलियन का बिजनेस खड़ा करने के होते हैं। बड़े सपने देखना कोई बुरी बात नहीं, लेकिन उसके लिए एक बड़े वक्त तक सच्चे दिल से मेहनत और परिश्रम करने की तैयारी होनी चाहिए। जबकि हम जिस मुकाम पर निकल पड़ते हैं तो उस मुकाम पर जो भी करना पड़े वो हमारा जुनून या पैशन होता है। अभिनय इरफान खान का प्रोफेशन नहीं था, पैशन था, जज्बा था, जुनून था। तो चलो दोस्तों, हम उनकी कोई फिल्म देखकर उनको श्रद्धांजलि अर्पित करेंगे। मैं उनकी आज अंग्रेजी मीडियम की फिल्म और एक बार देखूंगा। आप इरफान खान की कौन सी मूवी देखेंगे मुझे कमेंट में लिखकर बताइए। धन्यवाद।